देखिए बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के लिए तमाम यात्री अलग अलग तरीके से बाबा को रिझाने के लिए और यूं कह लीजिए कि भक्ति में सराबोर है। एक शख्स हमें दिखाई दे रहे हैं और दोनों हाथ में इनके गजानन है गणपति, और आप इन्हें मैंने देखा कि पानी पिला रहे थे, तो इनको क्या हमेशा से रखते रहे? जी हमेशा से, जैसे हम सब कुछ खाते हैं ऐसे इन्हें भी लाते हैं। कितने साल से आप लोग, आप आगे आ जाइए, कितने साल से आप लोग यात्रा कर रहे हैं? दीदी याद नहीं है, ऐसे कन्फर्म याद नहीं है जी, काफी टाइम हो गया बाबा के साथ तो इसलिए याद नहीं है। तो ये लेकर हमेशा जाते हैं जी, अब यात्रा पे जाते हैं तो बाबा साथ जाते हैं, बाकी मंदिर में विराजमान रहते हैं जी, बाबा के दर्शन जब भी करने जाते हैं तो बाबा के साथ जाते हैं। भक्ति का मैं अलग अंदाज देख रही हूँ कि घर में रखते हैं फिर इनको साथ में बच्चे की तरह लेकर जाते हैं। बाल गणेश जी बाल रूप में है जी। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति जी महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। सबसे पहले उनकी पूजा होती है, वो हमारे साथ हर टाइम विराज हैं, हैं तो सबके साथ, वो कोई याद करे चाहे ना करे वो सबके साथ हैं, लेकिन मेरे भैया के रूप में मेरे साथ हर टाइम रहते हैं। मेरी कोई भी विशेष होती हैं मांगने से पहले पूरी होती हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बाकी बाबा बैठे हैं सबके लिए, जय शंकर की बोल बाबा, बोलेगी मौज, बोलेगी फौज, बोलेगी फौज, बोलेगी फौज, बोलेगी फौज, बोलेगी फौज। नारा है, इसको आप सुन सकते हैं, और गणेश है दोनों हाथ में और कहते हैं गणेश विघ्न हरता होते, और कोई भी अगर शुभ काम किया जाता है तो सबसे पहले गणेश वंदना की जाती है। पार्वती शिव के पुत्र हैं, उनकी मान्यता है, और यही वजह है कि ये जो दिल्ली से आया परिवार है ये हाथ में गणेश को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लेकर हर साल जब भी ये दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इसी तरीके से हाथ में गणेश को लेकर जाते हैं। ये भी भक्ति का एक अंदाज है, बाबा अमरनाथ का दर्शन तो करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो नया रूप है ये बाबा अमरनाथ की गुफा के रास्ते में ही देखने को मिल सकता है। देखिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी अब इसी रास्ते में जा रही है, और एनडीआरएफ की टीम का मतलब है कि कहीं अगर कोई वैसा ऑड सिचुएशन होता है तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो वहां से निकालने के लिए रहती है। आप लोग सुबह से मैं देख रही हूँ कि स्कॉट करते हुए जा जी मैडम, मेन आपका काम क्या है? हमारा काम रेस्क्यू करने का हमारा काम। इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं आपके पास? हमारे पास माउंटेनिंग का पूरा इक्विपमेंट है मैडम, कोई भी पहाड़ी से गिर गया ना उनको नीचे उतारने के लिए जी। कितने लोगों की टीम है जो बालटाल के रास्ते से जाए? ये डोमिल तक हमारी दो टीमें हैं मैडम, 10 आदमी की टीम है, एक टीम यहाँ पे इधर ब्रिज के पास में और एक टीम आगे जा रही है बालटाल के पास। सूचना कैसे मिलती है आप लोगों को? मैडम सूचना इधर सराय बोर्ड के द्वारा देंगे, नहीं तो हम वॉकिंग करते हुए देखते रहेंगे, घूमते रहेंगे जी, जी। अगर कोई गिर गया तो उसको उठाकर जी उसको रेस्क्यू करेंगे। रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास मैडम रोप है, ये कैराबिनर है, मिटन है, स्ट्रेचर है, और मतलब इसको एम्बुलेंस तक मतलब मेडिकल फैसिलिटी तक हमको देना हमारे जिम्मेवारी है। तो बिल्कुल जो श्रद्धालु हैं, जो अमरनाथ यात्री हैं, जो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनको किसी तरीके से कोई उहापोह की स्थिति में ना रहे, इस वजह से जो एनडीआरएफ की टीम है वो जगह जगह पर तैनात है, और यहाँ से दुमैल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, लेकिन उस रास्ते में 2 टीम एनडीआरएफ की खास तौर पर तैनात की गई है, ताकि कोई यात्री के, किसी भी यात्री के अगर यात्रा करते वक्त पांव फिसल जाते हैं या वो आगे जाने में असमर्थ होता है तो एनडीआरएफ की टीम उसको रेस्क्यू कर सकती है, और जो इक्विपमेंट्स है उसके सहारे उनको उस और सिचुएशन से निकाल सकती है। अपने सहयोगी वेद प्रकाश पांडे के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ बालटाल।